कांग्रेस इसका एंकर विजुअल है। नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने कहा है कि कोरोना काल में जहां एक तरफ परिस्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है, मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है, प्लाज्मा के लिए भी लोग परेशान हैं। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व झूठे मैसेज व्हाट्सएप व अनेक सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसमें निःशुल्क सिलेंडर देने की बात, अस्पताल में बेड दिलाने की बात, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अनेक कंपनी व डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर व प्लाज्मा डोनर के नंबर व इस प्रकार के अनेक फेक मैसेज जिसमें हेल्पलाइन नंबर डालकर वायरल किया जा रहा है, और उन नंबरों पर कॉल लगाए तो कुछ बंद आते हैं तो कुछ फोन उठाती नहीं, तो कुछ गलत नंबर बोलकर काट देते हैं। मरीज जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहता है, उसके घर वाले सब कुछ दांव पे लगाकर उन्हें बचाने की फिक्र में होते हैं, और ऐसे समय इस तरह संदेश फैलाकर वक्त खराब कर उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर जो आम नागरिकों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को पता लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान द्वारा की गई है। हेलो दोस्तों, मैं वसीम खान, नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष। अभी कोरोना काल के इस आपत्तिजनक समय पे जहाँ हालत दिन पे दिन और बिगड़ती जा रही है, इस समय पे त्रस्त लोगों में तराई तराई में छी है, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग प्लाज्मा के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्व जो कि फेक मैसेज फैलाने का काम कर रहे हैं, वो ये झूठे संदेश से लोगों को बोल रहे हैं कि किसी को सिलेंडर चाहिए तो निःशुल्क सिलेंडर की सेवा और खूब सारे नंबर दिए हुए हैं, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर, नाम व कंपनियों के नंबर दिए हुए हैं, किसी को हॉस्पिटल में बेड वो वेंटिलेटर चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, किसी को प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा डोनर के नंबर दिए हैं, लेकिन उस पर कॉल करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ नंबर बंद है, कुछ नंबर उठाते नहीं है, कुछ नंबर रॉन्ग नंबर बोलकर रख दे रहे हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो इतना घिनौना काम इस वक्त पे भी कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मरीज के घर वाले परिजन लोग बेहाल रहते हैं, वो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर अपने रिश्तेदार को बचाने के पीछे लगे हुए, उस बीच ऐसे मैसेज फैलाकर उनका वक्त ज़ाया कर कर उनको और भी परेशान करने का काम किया जा रहा है। ऐसे घिनौने मैसेज वायरल करने वालों पे और ऐसे घिनौने मैसेज बनाने वालों पे सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं ऐसे आम नागरिकों को एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मैसेज आते हैं तो तुरंत डिलीट करें, उसे आगे वायरल ना करें, और लोगों के बीच में ऐसे झूठ और फेक मैसेज ना फैलाएं, और ऐसे ये जो भी काम कर रहे हैं, ये बड़ा घिनौना काम कर रहे हैं, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद साइबर में ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट डालने वाला हूँ, और आप लोगों से भी अपील है कि ऐसे मैसेजों को आगे ना बढ़ाएं।